नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से आप किसी भी ट्रेन को ट्रेस कर सकते हैं और उसका लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं। ट्रेन कौन से स्टेशन से निकल चुकी है और कौन से स्टेशन पर कब पहुँचेगी, हर एक मिनट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखी है और ट्रेन देखिए यहाँ पर पहुँच गई है। अगर मैं जो है यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप इसको देखिए लाइव, ये देखिए ट्रेन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गई है और ये देखिए अब ट्रेन यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेन लखनऊ से चली थी और ये वाराणसी में पहुँचने वाली है और ये इसका टाइमिंग है। तो दोस्तों ये ट्रेन जो है 4 घंटे लेट हो गई है, लेकिन ये जो है इतने टाइम पर पहुँच जाएगी। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी निकाल सकती हैं हर एक मिनट की। ये देखिए ये किलोमीटर वगैरह हर एक चीज़ दिखाएगा। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर फिर से जो है आपको बताएगा ये ट्रेन कहाँ पर थी और कहाँ पर पहुँचने वाली है और कितने मिनट में पहुँचने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखा देता है। दोस्तों ये सब कैसे करना है जानने के लिए आप वीडियो पूरा लास्ट तक का देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर लेनी है। एप्लीकेशन का नाम है वेयर इज माई ट्रेन इंडियन रेलवे एंड PNR स्टेटस। और इस एप्लीकेशन को 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसकी रेटिंग है 4.6 की और यहाँ नीचे दे रखा है टाइम टेबल एंड रनिंग स्टेटस विदाउट इंटरनेट। तो आप जो है इनकी जानकारी बिना इंटरनेट की भी पा सकते हैं। तो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें। तो फिलहाल मैं इसको इंग्लिश रखूँगा और यहाँ सबमिट कर देते हैं। और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको ऊपर यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्पॉट और PNR और सीट। अगर आप PNR स्टेटस पता करना चाहते हैं तो यहाँ से आप PNR स्टेटस पता कर सकते हैं। और ये है सीट्स, तो अगर आपको सीट्स वगैरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं फिलहाल स्पॉट वाले ऑप्शन पर और जो भी ट्रेन जिस स्टेशन से जहाँ पर पहुँचने वाली है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं फ्रॉम स्टेशन कर लेता हूँ यहाँ से लखनऊ, तो ये देखिए यहाँ लखनऊ आ गया है। तो मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके बाद टू कहाँ पर जाएगी तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये कर लेते हैं इस तरह से गोरखपुर। और अगर आपके पास ट्रेन नंबर या फिर ट्रेन नेम है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना सर्च करने के बाद यहाँ से फाइंड ट्रेन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने जो है ट्रेन नंबर वगैरह तो डाला नहीं। तो ये देखिए जो भी ट्रेन है नीले कलर की ये चल रही हैं इस तरह से देखिए, और बाकी सब बंद है ट्रेन। तो फिलहाल मान लीजिए मैं किसी पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए ये वाली ट्रेन मुझे पता करनी है कहाँ पर है, इसका स्टेटस क्या है। तो ये देखिए ये ट्रेन अभी यहाँ पर है और ये पहुँचने वाली है बिल्कुल। तो आप टाइमिंग देख सकते हैं और मेरे मोबाइल का भी आप टाइमिंग देख सकते हैं। मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, 9:14 AM दिखा रहा है और यहाँ पर 16 है। तो ये जो है यहाँ पर अपडेट होता रहता है, जब आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपको एकदम अपडेट जानकारी मिल जाएगी कितनी देर में इस स्टेशन पर पहुँचेगी। और ये सभी स्टेशन हैं और ये ट्रेन चली थी यहाँ से, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया था लखनऊ चारबाग और ये देखिए यहाँ पर आ गई है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं बंद करता हूँ और अगर आप इसको थोड़ी देर में फिर से अपडेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ट्रेन आपकी अपडेट हो जाएगी, आपको पूरा एकदम टाइम वाइम सब दिखाएगा। और अगर आप बिना इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेल टावर, इंटरनेट, GPS, तो ये तीनों चीज़ों से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसके बाद जाते हैं बैक और बैक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर 3 लाइन पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है। तो लैंग्वेज वगैरह तो सिलेक्ट है ही है, यहाँ पर है अपडेट टाइम टेबल। तो जो भी टाइम टेबल आपको चाहिए, जो भी मतलब अपडेट हुआ होगा यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और ये सेटिंग मिल जाती है अंदर, तो यहाँ आप सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, जैसे टाइम हो गया या फिर कुछ खास सेटिंग नहीं है लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।